की, ईमानदारी की, जोर की। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप फ्रेंड्स, आज है कौन सा डे? हाँ, आज ट्यूसडे। तो आज मैं जा रही हूँ खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने। मैं और मेरी मम्मी जा रही है और पापा और सीखा नहीं जा रहे हैं। और मम्मी की और मैं और मम्मी की जो फ्रेंड्स वगैरह ना, हम लोग उन्हीं के साथ जा रहे हैं प्लान बना के। और हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, तो हमारी 4 बजे की ट्रेन है। तो मैं सुबह से ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि खाना बना रही थी, काम वगैरह कर रही थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया, बहुत बिजी थी मैं। और खाना वगैरह मैं बना चुकी हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये रही साक्षी। हाय। तो ये ना थोड़े दिनों के लिए हमारे घर रहने आई है क्योंकि जो मौसी है वो गई है आसनसोल। फ्रेंड्स, ये नहीं जा पाई इसलिए, और इसलिए थोड़े दिन के लिए हमारे साथ ही रहेगी। तो ये अचानक से आई, तो इसको बिल्कुल प्लान नहीं था कि ये भी आ पाएगी। तो हम लोग फ्रेंड्स आज जा रहे हैं, तो साक्षी को हम नहीं ले जा सकते क्योंकि इसका एग्ज़ाम है। सीखा इसको एग्ज़ाम दिलाने ले जाएगी। और इसको हम छोड़ेंगे राज के घर। तो मैं जा रही हूँ चाची के घर, वो भी हमारी फैमिली जैसी है, तो वो इसका ख्याल रखेगी जब तक हम लोग नहीं आते। नहीं मतलब हम तो आएंगे 2 दिन बाद, सीखा आ जाएगी रात को 8 बजे, तो वो चाची के घर से इसको ले आएगी घर पे। और कल वैसे भी उसकी छुट्टी, तो दोनों साथ ही रहेंगे। तो साक्षी तो रोएगी तो नहीं ना? नहीं अभी बताइए। रो गई थी, इतना रो रही थी, मैंने इसे इतनी मुश्किल से छिप कर आया है, तो तू रोइयो मत। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बहुत लेट हो रही हूँ और हमारी वैसे भी 4 बजे की ट्रेन है, तो जल्दी से मैं इसको वहाँ छोड़ के आती चाची के घर, उसके बाद मैं निकलूँगी। मम्मी भी मेरा वहाँ वेट कर रही है, तो आती है थोड़ी देर में। वो चाची, ये देखो ये कुत्ता, ये मैं जब गली से बाहर निकलती ना, तो सारे कुत्ते मेरे आसपास भटकने लगते हो, ये डर रही है। ये देखो, ये देखो, इसे बिल्कुल क्यों डर रही है, पागल नहीं काटे वरा पूछी। पता है मैं घर से बाहर निकलती नहीं कि मेरी बॉडीगार्ड मेरे आगे पीछे घूमने लगते हैं। वो देखो, वो रहे मेरे 3-3 बॉडीगार्ड, भूख गई थी ना, भाग गए। फाइनली मैं साक्षी को छोड़ के आ चुकी हूँ, अब मैं भी जल्दी निकलती हूँ, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फाइनली मैं मम्मी के पास आ चुकी हूँ। ये रही मम्मी, ऑटो के किराया देख लिया, और वो रही अंजू आंटी, फोन कर करके परेशान। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, और अब हम जा रहे हैं शास्त्री नगर। वहाँ से हम चेंज करेंगे एम्बेंस, फिर हम जाएंगे सराय कालेखा रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से हम ट्रेन लेंगे, फिर हम चलेंगे। तो आइए, साथ बने रहिए हमारे। और हम बहुत लेट हो चुके हैं वैसे भी। हाँ, लेट हो गए ना, 3:30 बच्चे को पता है, बहुत कुछ जाएंगे वैसे टाइम से। बाबा करे हम टाइम से पहुँच जाएँ, हमारी ट्रेन ना छूटे। ऐसा तो होता नहीं है कभी, कोई भी उनके दर्शन करने के लिए जाएँ और कोई दिख और कोई बाधाएँ, तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो हम टाइम से पहुँच जाएंगे, इतना विश्वास है प्रभु पे, इतना विश्वास है। तो आइए चलते हैं, और वीडियो के साथ बने रहिएगा, तो हम आपको सारा दिखाते चलेंगे कि कैसे कैसे हम पहुँच रहे हैं, कैसे कैसे हम दर्शन कर रहे हैं और कहाँ रुक रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फाइनली हमारी मेट्रो आने वाली है, आने वाली नहीं, आ चुकी है। वो देखो मोरी आ रही है, वो देखो। तो आ गई हमारी मेट्रो। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं शास्त्री नगर, और अब हम यहाँ से जाएंगे सराय काले बाग। आई डोंट नो कैसे नाम है, चल सर तो नाम ही तो पता चल। तो ये देखो कितना बड़ा मेट्रो स्टेशन है, और मुझे ना ऐसे सीढ़ों पर बहुत डर लगता है, टनल में भी बहुत डर लगता है। तो बस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, और 4 बजे की ट्रेन है, और वैसे बहुत लेट हो चुके हैं वैसे तो हम। आई होप कि हम टाइम से पहुँच जाएँ। ये देखो मम्मा कितनी तेज तेज भाग रही है। मम्मी मेरा टोकन। अच्छा एक सेकेंड, हमें जा रहे हैं से लेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँच गए, और हम बहुत लेट हो चुके हैं स्टेशन तक पहुँच गए। क्यों 80 रुपये इन लोगों का पैसों का हिसाब चल रहा है, मुझे नहीं पता क्या है। अरे जल्दी चलो हिसाब बाहर में कर लेना, चले छूट जाए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पहुँचने वाले हैं
तो ये भी ट्रेन खड़ी है, पता नहीं हमारी है या नहीं। और इधर भी पटरी है। मम थक गए? तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए हैं। कितना टाइम हो गया? वापस चल जाओ। क्यों? एक नंबर है जहाँ से आए वहाँ से। तो फ्रेंड्स हमारा उल्टा हो चुका है, जहाँ से हम गए थे फिर से वहीं जा रहे हैं। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर हम दो पे आ गए, फिर अब दोबारा में एक नंबर पे जा रहे हैं। ये हमारी ट्रेन, तो हम लोग चढ़ रहे ट्रेन के अंदर। चलो चलो छूटने वाली ट्रेन। बहुत भीड़ अंदर, क्या उधर निकलना है। बहुत गर्मी हो रही है। पहले बोलती वो वाली फिर ये वाली। हम लोग फिर से गली सीट पे बैठ गए थे ट्रेन के साथ। फाइनली हम लोग राइट सीट पे आ चुके। हम इतना घूमे ना, आगे एकदम चले गए, फिर आगे से पीछे आए, फिर पीछे से आ गए। मेरी मम्मा बहुत थक गए बेचारे, ड्यूटी करके आई, डायरेक्ट यहीं आई। और वो देखो वो रहे हमारे पार्टी के मेंबर, मुझे नहीं पता वो कौन है। मेरी फ्रेंड है, उनके हस्बैंड है, उनकी बहन है। तो हम सब जा रहे हैं फ्रेंड के साथ, जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। और मैंने कहा था ना हम कितने भी लेट हो जाए लेकिन हमारी ट्रेन मिस नहीं होगी। मुझे पूरा भरोसा था कि हमारे बाबा जो हैं हमारी ट्रेन मिस नहीं होने देंगे, क्योंकि हम बहुत खुशी थे और उन्हीं का बुलावा आता है जब हम जाते हैं। तो सही बात, ऐसा कैसे हो सकता था। तो हमें फाइनली ट्रेन मिल चुकी है, हम सीट पर बैठ चुके हैं। और मैं सुबह से भूखी, मुझे बहुत भूख लगी है। अब ट्रेन चलेगी तो मैं टेंशन। अब मुझे एक एक खुशी की बात, मुझे विंडो सीट मिली। देख मुझे ना विंडो सीट बहुत पसंद है, बहुत बहुत बहुत। फाइनली मुझे विंडो सीट मिल गई और अभी हम चले। अरे यार प्लेट चम्मच नहीं लाई, लेकिन चम्मच मेरे पास है। भाई कुछ ना कुछ तो मैं भूल ही गई, पेपर भी नहीं लाई। खाकर रख के खाएंगे और पहुँचने के बाद, क्योंकि सारा काम तो हमको नहीं करना पड़ा था। मैं तो आ गई थी जॉब पे और साक्षी को भी छोड़ गया, वो बहुत रो रही थी। हाँ तो सारा काम तो हमको करना पड़ा, बेचारी अकेले सारा मैनेज करी है। तो हम इसे कुछ भी नहीं कह सकते, जैसा लाइए बहुत बेस्ट। थैंक यू। अरे ये ब्यूटीफुल मैन। तो फ्रेंड्स अभी ट्रेन चलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो ये पूरा हमारा ब्लॉग, वीडियो के साथ बने रहिए। सहारे की जय, नरेश की जय, ईमानदारी की जय, केशवर की जय, प्रगति के लाल की जय, के अवतार की जय, जय वाले भालो की जय, मुंशी वाले की जय, राम प्यारे की जय, राम हमारे की जय, हमारे सेठ की जय, जो के सेठ की जय, अच्छे दरबार की जय, जय श्री श्याम। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और ब्लॉग को एंजॉय करिए। और फाइनली ट्रेन खुल चुकी है थोड़ी देर के लिए और मम्मी यहाँ खा रही है खाना। तो जब ट्रेन चलेगी खाना वगैरह खा चुके हैं। भजन सुन रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे पता है वो देखो वहाँ पे ना टीटी ने पकड़ लिया है, वो लोग टिकट नहीं लेके आए। और ये रही हमारी ट्रेन, बहुत स्पीड में चल रही है ट्रेन। ये अंशु कह रही है ये
फोटो लेने के लिए बताओ, और हम जल्दी जल्दी फोटो भी नहीं ले पाए सच में, इतना लेट हो गया, स्टेशन तक में भी नहीं बना पाई मेरी। तो अब हम सबसे पहले एक फोटो लेते हैं। चलो पूरी ट्रेन खाली हो जाएगी ना, तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग स्टेशन पे उतर गए हैं और शाम रात हो चुकी है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ रुकेंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये देखो रेलवे स्टेशन कितनी भीड़ हो रही है। फ्रेंड्स हमें जाना है उस साइड, और ये देखो लोग कैसे पटरियों से चल चल के जा रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है, बहुत पता नहीं कैसे जाएंगे हम लोगों से, सच में बहुत डर लगता है। देखना कैसे लोग सारे दे सारे इधर देखो ना, इधर सारे लोग ऐसे पार हो रहे हैं, हम लोग कैसे जाएंगे। अरे चलो बहन भी ऐसे जाना है, तो हम आगे काफी आगे चलते हैं, जल्दी हम भी ऐसे जाएंगे। क्या करते हैं, भीड़ भी बहुत है स्टेशन पे, कोई निकलते सारे लोग दर्शन करने आ रहे हैं। अब मैं तो पहली बार आई हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है मैं आई हूँ आज। तो मम्मी हम लोग नहीं जाएंगे क्या? पहले उस वाले उसको उतरे थे हम, नहीं नहीं उतरे वैसे ही थे और पीछे आगे उतरे थे, वहाँ से पैदल चल के आए। तो
कहीं भी रास्ता नहीं मिला, हमें यहीं से जाना पड़ेगा ट्रैक से। फ्रेंड्स पटरी क्रॉस कर रहे हैं, बापरे मेरे को तो डर भी लग रहा है यहाँ से चलने में, है मम्मी तुम्हें भी लग रहा है थोड़ा सा? लाइफ में पहली बार ये हमने किया है, मैंने भी हम लोग चलो जल्दी। अरे तुम ट्रेन देखो, तो आ गई जस्ट, ये लोग भी आ रहे हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोगों ने ये पटरी क्रॉस कर ली, बहुत मुश्किल था पर कर ली बच्चों को देख। सब लोग बहुत खुश थे आज खाटू श्याम के दर्शन करने, हम भी और बाकी। तो ये देखो कितनी धीरे मैं आई के स्टेशन पे, सॉरी मेट्रो ही निकल रही है। तो ये देखो फ्रेंड्स ये मेट्रो स्टेशन है क्या, रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की चीजें, मुझे तो भूख लग गया यार, सुबह से मैंने कुछ ढंग से खाया भी नहीं, कुछ अच्छा सा खाएंगे पहले हम। मुझे लगा नहीं था वैसे इतनी भीड़ होगी, पूरी खाने पड़े अभी 10 सवारी और चाहिए ना। हाँ ये चार की है, चलो बेटा बैठो आ जाओ आ जाओ। फाइनली मैं आगे बैठूंगी, आगे बैठो। हेलो, अब मुझे क्या पता थी इन्होंने टिकट बुक कर रखी थी एक महीने तक। इस नाप की तरह ओए मम्मी तुम बीच में कितने क्यूट लग रहे हो, पैदल अकेली जाएगी क्या, पांच जगह जो गाड़ी में जाएगी पता नहीं गाड़ी कब चलेगी।